फिर दीपावली आप सभी को। दोस्तों हमारे YouTube चैनल आरके गुप्ता टेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों जितने भी सीएससी बेली भाई हैं उन सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ चुकी है। जितने भी हमारे सीएससी बेली हैं ई श्रम कार्ड का पेमेंट उन सभी के डीजीपी वॉलेट में ट्रांसफर कर दिया गया है। जितने भी बचे हुए पेमेंट थे, जैसे कि जिन्होंने 500 कार्ड बनाए थे जिनको सिर्फ 10 कार्ड का ही पेमेंट रिसीव हुआ था, अब उन सभी को जो है पूरे कार्ड के पैसे जो उनके सीएससी डीजीपी वॉलेट में ट्रांसफर किया जा रहा है। पूरे अक्टूबर का जो जितना भी पेमेंट था वह अब जो है सभी सीएससी बेली को मिल रहा है। कल की डेट में भी काफ़ी सारे सीएससी बेली के जो है डीजीपी वॉलेट में अमाउंट आया था और आज की डेट में 4 तारीख को भी जो है सीएससी बेली के डीजीपी वॉलेट में जो है ई श्रम कार्ड का पेमेंट आ रहा है। अगर अभी तक आपने अपना ई श्रम कार्ड का पेमेंट नहीं चेक किया है तो अपने डीजीपी में लॉगिन कर लीजिएगा और वहाँ से आपको अपने ई श्रम कार्ड का पेमेंट दिखाई देगा। तो आशा करता हूँ आप लोग अच्छे समझ गए होंगे और आशा करता हूँ कि आप सबका जो ई श्रम कार्ड का पेमेंट है वो आ गया होगा। और अभी जिन जिन सीएससी बेली का पेमेंट नहीं आया है, कितने कार्ड बनाए थे और उस कार्ड के हिसाब से कितना पेमेंट अभी नहीं आया है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता देंगे। तो जैसे ही इस पर भी कोई अपडेट आएगी तो वह अपडेट हम आप तक पहुँचाएंगे। तो इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपका जितना पेमेंट नहीं आया जिन लोगों का, वह आप हमें आके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और जिन भाइयों का पेमेंट आ गया है, बचा हुआ पेमेंट, एक भी पैसा नहीं रुका है, सारा पैसे आ गए हैं, तो उन सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इससे क्या होगा कि जितने भी हमारे सब्सक्राइबर होंगे उनको जो है मोटिवेशन मिलेगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।